इस प्रकार के ऐप में यहाँ से आप बाइनेंस पर अपने यूएसडीटी को बिना किसी चार्ज के और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 100 रुपये भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रकार का ऐप है जिसका नाम बिट बीएनएस है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यदि आप हमारे लिंक से साइनअप करेंगे, केवाईसी करेंगे, सारा कुछ करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का बीटीसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये केवाईसी वाईसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो ये सब आप कुछ कर लीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर फुल केवाईसी कस्टमर हूँ, ठीक है। तो इसमें आप केवाईसी कर लीजिएगा, लिंक से ही मेरी करिएगा, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा 100 रुपये, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर करना क्या है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 100 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यूटिलिटी को वहाँ पे ले जाना है। और आपको हाँ एक बात और, इसमें आपको रियल रुपए में कोई ज़्यादा आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जितने का डाला चल रहा है उसी रुपए में आप खरीद सकते हैं बिना P2P ट्रांजैक्शन के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जितने का आपको डॉलर खरीदना है उसको रुपए को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करते समय यहाँ पे आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है। दरअसल ये वीडियो कल ही आने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती, छोटी सी गलती थी, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और मैं यहाँ पे आपको, चूंकि मुझसे ये गलती हुई है, तो मैंने यहाँ पे दो सीख भी ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है, चलिए आपको बताते हैं। आपको एड मनी पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप कोई भी स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यूपीआई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप UPI या IMPS, NEFT, RTGS, मैं सजेस्ट करूँगा आप IMPS से करें। उसके बाद जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिंक करें, उसी अकाउंट नंबर से आप यहाँ पे इनको पेमेंट, या इनका अकाउंट नंबर, इस पर पेमेंट करें। वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जब ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो उसको यहाँ पे एंटर कर दें, सबमिट कर दें। थोड़ी देर में आपका बहुत ही जल्दी, सबसे पहले तो इसको आपको यहाँ पे 100 रुपये को इसको सेल कर लेना है। सेल कैसे करना है, आपको आना है होम के सेक्शन में। होम के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर यदि आप स्लाइड करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे देख लीजिएगा BTC/INR दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल की बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेल की बटन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका BTC अमाउंट सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप 100% BTC को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। 100% देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, 97 रुपये का बनना है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, इसको हटा करके तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ऐसा बने रहने दीजिएगा। उसके बाद 2.24 पैसा फीस लगेगी, सेल कर देना है। सेल जैसे आप कर देंगे, इसको कंफर्म सेल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे सेल जो आपका होगा सक्सेसफुल हो जाएगा या BTC को। अब आपको यहाँ पे एड मनी तो आपने कर ली, आप चलिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको आना है ट्रेड के सेक्शन, यहाँ पे होम के सेक्शन पे। होम के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको USDT/INR का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको खरीदना है तो यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे USDT को हम यहाँ पे खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 100% टोटल, यानी कि 1450 रुपये का हम टोटल खरीदेंगे। तो यहाँ पे 100% कर देते हैं। 100% मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देख लीजिए मुझे 18.51 USDT यहाँ पे मिल रहे हैं। यदि आप P2P से करते हैं तो उसमें आपका बहुत लॉस होता है और आपको इतने नहीं मिलते, आप ना माने तो देख करके देख लीजिए। उसके बाद बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए जो फीस लगेगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा $18 मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों P2P से संभव नहीं हो पाता। कन्फर्म बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको माई ऑर्डर के सेक्शन पे आ जाना है। माई ऑर्डर के सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे ओपन ऑर्डर स्टॉप ब्रैकेट, यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर में आपको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 18 USDT आपने खरीद चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है वॉलेट के सेक्शन पे। वॉलेट के सेक्शन पे आने के बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपके 1543 रुपये यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे USDT दिखाई पड़ रहे होंगे, अब इसको आपको सेंड करना है। सेंड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मूर्खता नहीं करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही बताता हूँ, कोई बकवास थोड़ी ना करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको TRC20 सेलेक्ट कर लेना है। TRC20 ध्यान रहे, TRC20 करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 7-8 रुपये फीस लगेगी, मिनिमम 7-8 रुपये, बहुत ज़्यादा ही फीस नहीं, 7-8 रुपये तो कुछ नहीं होता यार। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करना पड़ेगा। गूगल ऑथेंटिकेटर दरअसल मैं अपनी कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी बताया नहीं। तो चलिए आज आपको बता देते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर आखिर होता क्या है। इसको इनेबल ना हो भी आपको क्लिक कर देना है। तो इसको चलिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेटर को मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। दरअसल एक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक प्रकार का ऑथेंटिकेटर होता है। नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको OTP एंटर कर देनी है, आपके ईमेल पर आएगी सेकंड स्टेप में। देख लेते हैं क्या आई है। अब ऊपर से मैं स्लाइड करूंगा, देख लीजिए मेरी BTC भी यहाँ पे सेल हो चुकी है। इसको भी मैं जो INR मेरा आया उसको भी अभी मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरा $19 करीब हो जाएगा। पहले मैं इसको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल करता हूँ। उसमें दोस्तों कुछ सावधानियां मैं बताऊंगा, अक्सर यूट्यूबर कुछ इग्नोर कर देते हैं और उनका तो मतलब बन जाता है, लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो अपनी अज्ञानता के कारण बस करते हैं। तो ऐसे किसी बकवास यूट्यूबर को फॉलो ना करें। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की आ जाएगी, ठीक है। ये प्रकार की होती है,
यदि ये की आपने इसको खो दी, अक्सर यूट्यूबर क्या करते हैं इसको बताना भूल जाते हैं, यही मेन चीज होती है। यदि आपने इस की को खो दिया तो जिंदगी में आप भूल जाइए कि आपका पैसा कभी वॉलेट में था, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, 20 जगह इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये जब तक है आपके पास तब तक आपके पास पैसा है। अब ये की आपने यहां से कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कॉपी की उसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, इंटर सेटअप की पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आपका हो, यहाँ पे की को आपको पेस्ट कर देना है और टाइम वेस्ट बन के रहेगा, इसी बार कर देना है। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का कोड मिल जाएगा, 86 34 64, उसे यहाँ पे एंटर कर देना है, 86 34 64। यहाँ पे मैंने एंटर किया, इसको फिनिश कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसे बैक कर देना है, वॉलेट के सेक्शन पे जाना है। अभी हम इसे विड्रॉल करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी BTC बेचा है 98 रुपये आ चुके हैं, इसको भी मैं जल्दी से डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सारा कुछ यहाँ पे विड्रॉल के सामने करूँगा। तो अभी यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे $19 टोटल कर लिया है, वो भी 100 रुपये का मैंने बेच के खरीद लिया है, जैसे मैंने पहले बताया था, बार बार बकवास करने की क्या जरूरत। उसके बाद सेंड के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, सेंड के बटन पर क्लिक करूँगा, मैं TRC20 आपको सिलेक्ट कर लेना है, TRC20 ध्यान रहे, वीडियो पूरा देखा करें, मैं कोई बकवास नहीं बनाता हूँ, वही मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको ऐसी भरपूर नॉलेज मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि अभी आप उतनी देर से देख ही रहे होंगे कितना कुछ मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सारा कुछ बताया है। उसके बाद आपको बाइनेंस को ओपन कर लेना है, माइनेंस ओपन करने के बाद आपको वॉलेट के सेक्शन पे जाना है, वॉलेट के सेक्शन पे जाने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको USDT को कर लेना है। USDT को करने के बाद यहाँ पे आपको TRC20 का एड्रेस दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर टैग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस को TRC20 के एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है, TRC20 का एड्रेस ही कॉपी करना है आपको। यदि एक गलती दी आपने इसमें की तो समझ लीजिए आपका सारा कुछ यहाँ पे माल पानी गया। 20 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उस एड्रेस को जो मैंने बाइनेंस का कॉपी किया TRC20 का, उसे यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे क्वांटिटी कह रहा है, तो क्या क्वांटिटी यहाँ पे आपको फुल रखनी है, जितनी भी आप करना चाहें डॉलर को ट्रांसफर। अब यहाँ कह रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर OTP को यहाँ पे फिलअप कीजिए, यानी कि जो वहाँ पे आपकी चल रही होगी OTP 6 डिजिट की, उसे यहाँ पे भरना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से देख के भर देते हैं, ये रहा हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर 46 57 34 46 57 34। सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है, लेना है वाइट लिस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वाइन में USDT चूज करना है, USDT टीथर यहाँ पे देखिए आ चुका है, ठीक है। इसे चूज करने के बाद यहाँ पे लेवल पे आपको लिख देना है USDT, ध्यान रखे जो हम कह रहा हूँ वैसे ही करिएगा, वरना आप करने के भुगतान खुद करेंगे। बाद उसके बाद ऑथेंटिकेटर OTP पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको OTP यहाँ पे ऑथेंटिकेटर से मिल जाएगी, 98 0 230 98 0 230। एंटर करने के बाद वाइट लिस्ट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ईमेल पर कुछ गया होगा, ओके कर देना है। ईमेल चेक करता हूँ, ईमेल पे भी आया होगा कुछ, ये ईमेल पर कंफर्म करने के लिए आएगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले कंफर्म कर देना है, क्लिक हियर टू कंफर्म इट हियर, ठीक है, इसे कंफर्म कर देना है। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसके लिए बहुत रिस्क लिया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, तो ये बहुत गलत बात है कि आप लाइक नहीं कर सकते, मैं आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आप वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एड्रेस आपका होगा यहाँ पे हो चुका होगा, इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पे फिर वैसे फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब आपको विड्रॉल करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर OTP पे आपको क्लिक कर देना है, OTP देख लेनी है, 87 78 87 77 87। सेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफाइल चेंज होने के 24 घंटे बाद यहाँ पे विड्रॉल इसका होगा, चलिए वेट कर लेते हैं 24 घंटे बाद, तो वीडियो थोड़ी देर डिले होगी लेकिन आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, गूगल 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल करना है। यदि ये कह रहा है कि यदि ऑलरेडी आपने कर रखा है तो इसको दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, तो चलिए यहाँ पे यही कर लेते हैं, हो सकता है आपको भी आए, तो चलिए अच्छा रहा मेरे साथ हो गया तो आपको मालूम पड़ गया। गूगल 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने शुरू में ही कर लिया था जैसा कि आपको दिखाया था, ये देखिए ऑन है, तो चलिए इसके पहले लॉग आउट करते हैं फिर लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए लॉग आउट कर लिया, इसे फिर हम पासवर्ड और उससे ईमेल आईडी से लॉग इन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उतना ही प्रोसेस कर लिया, 16 87 83 16 87 83 मैंने लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया। उसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे वेरीफाई करना है, मेल एक भेजा गया है। चलिए ओके कर देते हैं। बड़ा यार झंझट कराता है ये। तो ये मेल यहाँ पे आ चुका है, इसको सारे इसको वेरीफाई कर देते हैं। क्लिक हियर टू कंफर्म इट हियर। यहाँ पे मैंने इसे कंफर्म किया। देखते हैं फिर क्या कराता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। आप चलते हैं और फिर यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ। वहाँ पे सेंड पर फिर से क्लिक कर देते हैं। अच्छा हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर दोबारा बदल गया होगा। 500 372 तो 500 372 में बदल गया। उसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, जब मैंने वहाँ पे दोस्तों आपके सामने विड्रॉल किया था तो उसमें लिख के आया था उप्स नॉट विड्रॉल, ऐसे दोस्तों कुछ लिख के आया था आपके सामने। उप्स नॉट विड्रॉल आपके सामने लिख के आया था, जबकि दोस्तों वो एरर नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही लिख के आया था। तो जब मैंने आपके सामने वहाँ पे उस डीटी को विड्रॉल किया तो वहाँ पे विड्रॉल तो लग गया और सक्सेसफुल भी हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके सामने बेफालतू में यहाँ पे एक एरर आता है कि यूएसडीटी उप्स नॉट विड्रॉल, मतलब पर्याप्त बैलेंस नहीं है आपका यूएसडीटी में। जबकि आपके पास कुछ भी हो बैलेंस तब भी यही एरर दिखाएगा, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो विड्रॉल हो जाएगा। मैं भी परेशान में आ गया था कि रुपये भी कट गए लेकिन और यहाँ पे हिस्ट्री में भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने $19 विड्रॉल किया और वहाँ पे चला भी गया होगा इसके कहाँ पे। चलिए देखिए अभी मेरे पास USDT 19 जो मैंने वहाँ से विड्रॉल भी किए वही देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ कि डिपॉजिट में सेक्शन में जा करके यहाँ पे देख लेते हैं USDT। यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल इतना, ठीक है ये देख लीजिए 19 USDT मेरे बाइनेंस में जमा हो चुके हैं। आपको यूवर भी मैं जाकर दिखा देता हूँ कि डिपॉजिट। अभी मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। वहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है, USDT पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे यदि आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख लीजिए ये कंप्लीट अभी किया गया। देख लीजिए बिल्कुल 8:18 पर मैंने 8:18 पर हो चुके हैं और यहाँ पे देख लीजिए 19 USDT यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे USDT यहाँ पे जमा हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिस बिटबिजनेस से दोस्तों, बिटबिजनेस एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप, बिटबिजनेस हाल फिलहाल में बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, विड्रॉल करते समय इसमें एरर आता है लेकिन आपका पैसा यहाँ पे विड्रॉल हो जाता है। आपके सामने मैंने सारा कुछ करके दिखाया, प्रूफ भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। इस वक्त चैनल वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ तक ले जाए, धन्यवाद।